मौका था पोर्ट ब्लेयर में टर्मिनल के उद्घाटन का, लेकिन अपने संबोधन में विपक्षी एकता पर करारा हमला बोलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए। साफ तौर पर कहा कि इन लोगों से सतर्क रहिए, बेंगलुरु में कट्टर भ्रष्टाचारी सम्मेलन हो रहा है, इनकी विचारधारा और एजेंडा एक है, अपना परिवार बचाओ, परिवार के लिए भ्रष्टाचार बढ़ाओ, ये कहते हुए जोरदार हमला बोला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष की बेंगलुरु में चल रही मीटिंग पर। सामान्य भारतीय के इस सामर्थ्य के साथ हमेशा भ्रष्टाचारी और परिवारवादी पार्टियों ने अन्याय किया। आज देश के लोग 2024 चुनाव में फिर एक बार हमारी सरकार वापस लाने का मन बना चुके हैं, निर्णय ले चुके हैं। ऐसे में भारत की बदहाली के जिम्मेदार कुछ लोग अपनी दुकान खोलकर बैठ गए हैं। इन्हें देखकर मुझे एक कविता की कुछ पंक्तियां याद आती हैं। एक कवि महाशय ने अवधी में लिखा था, यह अवधी भाषा में लिखी गई कविता है। गायित कुछ है, हाल कुछ है, लेबिल कुछ है, माल कुछ है, 24 के लिए 26 होने वाले राजनीतिक दलों पर ये बड़ा फिट बैठता है। गायित कुछ है, हाल कुछ है, लेबिल कुछ है और माल कुछ है, यानी गाना कोई और गाया जा रहा है जबकि सच्चाई कुछ और है। नेबल लेबल किसी और का लगाया गया है जबकि प्रोडक्ट कुछ और ही है। तो सुना आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। इस वक्त हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी से अजीज खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। खान साहब, आप भी सुन रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बार फिर भ्रष्टाचार और परिवारवाद पर बहुत करारा हमला बोला है, कहा है बेंगलुरु में भ्रष्टाचारियों का सम्मेलन हो रहा है। विकास की बात करेंगे, जनरल बात करेंगे, लेकिन आज जो भ्रष्टाचार की बात कही ये वाकई में अच्छा लगा। अभी मेरे ख्याल से एक हफ्ता डेढ़ हफ्ता नहीं बीता है, अजीत पवार जी को जिस तरीके से शामिल कराया है और जिस तरीके से उनको पद दिया है, मुझे लग रहा भ्रष्टाचार पर ये बड़ा प्रहार है माननीय मोदी जी का। कुछ बताने की जरूरत नहीं है, देश पूरा देख रहा है। अभी तमाम मुद्दों पर कहा कि साहब बेटियों को सम्मान, राजस्थान के बेटियों के साथ क्या हुआ। अरे साहब, दिल्ली में बेटियां बैठी रही और हफ्तों तक बैठी रही, महीनों तक, कितना बड़ा उनके साथ न्याय कर दिया माननीय मोदी जी ने। अभी साहब कह रहे थे कि बंगाल में पंचायत चुनाव हुआ, यही तो बात हम उत्तर प्रदेश में कह रहे थे। जंगल राज हुआ था, किस तरह चुनाव हुआ था, बेटियां लूटी गई, डीएमएसपी पैरेलल चुनाव लड़े, साहब एक शब्द नहीं बोले। चुनाव आयोग पूरी तरह से मौन रहा, हम लोग गुहार, सुनिए मेरी बात समीर जी, इंपॉर्टेंट बात है, एक शब्द मणिपुर पे नहीं बोले अभी माननीय मोदी जी। तमाम बातें कही साहब, अंडमान के बारे में कहा, इधर उधर, साहब मणिपुर जल रहा है और यही मणिपुर जल रहा था। आप समझिए, माननीय मोदी जी दौरा करने गए, मणिपुर के तमाम सत्ताधारी विधायक इन्हीं के पार्टी के लगातार प्रदर्शन करते रहे।